ये क्या, ये तो स्पेस शटल है लेकिन ये हमारी सिटी के एयरपोर्ट पे कर क्या रहा है? लगता है ये लॉन्च होने वाला है क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चलो जल्दी से इसके अंदर एंटर करते हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि ये स्पेस शटल है किसका और इसको लॉन्च कौन कर रहा है। और ये देखो ये तो लॉन्च हो गया लेकिन एक सेकंड रुको, इसे उड़ाएगा कौन? क्योंकि स्पेस शटल के अंदर कोई भी नहीं है, पूरा स्पेस शटल खाली है। मैं तो गया नहीं। तो आगे फिर से, तो आज गाइस अपन एक और बार इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम की एक और मिथवस्टर वीडियो लेके आ चुके हैं। मिथ नंबर 1, बोट को ग्राउंड पे स्पॉन करो, फिर कुछ ज़ॉम्बी को बुला के बोट के अंदर एंटर करो, फिर देखना तगड़ा मैजिक होगा। प्लीज टेक माय मिथ। ओके, तो सुनने में ये वाला मिथ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो चलो जल्दी से 3001 का चीट कोड डाल के बोट को स्पॉन करते हैं, फिर उसके बाद 2030 के चीट कोड से हमको ज़ॉम्बी को भी बुलाना है क्योंकि मिथ में ऐसे ही बोला था। लेकिन एक सेकंड रुको, ज़ॉम्बी को अपने पीछे बुलाने से पहले मैं अपनी हेल्थ को इनफाइनाइट कर लेता हूं 9129 के चीट कोड से, क्योंकि एक बार अगर ज़ॉम्बी किसी को मारना शुरू करते हैं तो वो फिर उसे छोड़ते नहीं है। तो इसलिए मैंने तो अपनी हेल्थ को इनफाइनाइट कर लिया क्योंकि रिस्क मैं लेता नहीं हूं। तो अब जल्दी से ज़ॉम्बी को अपने पीछे बुलाते हैं। ओए पागल ज़ॉम्बी, बिंदमाक वाले, आ जाओ पकड़ो मेरे को, पकड़ो। साथियों बच के ना जा पाए, ये टकला बच के ना जा पाए, पकड़ो, मारो इसको, मारो, धपाक धपाक मारो साथियों, बच के ना जा पाए। अबे बेवकूफ ज़ॉम्बी, तुम में इतनी हिम्मत है? अरे नहीं नहीं, मारो मत, मारो मत, भागो यार, ये ज़ॉम्बी तो कितनी बुरी तरीके से मार रहे हैं। बेटा टकले, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। मुझे नहीं देखनी तुम्हारी पिक्चर। चलो जल्दी से मिथ के अकॉर्डिंग बोट के अंदर एंटर करते हैं। और ये देखो गाइस, जैसे ही मैंने बोट के अंदर एंटर किया मैं जमीन के अंदर आ गया। लिटरली मैं गाइस, मेरी बोट जमीन के अंदर आ चुकी है। लेकिन एक सेकंड रुको, मुझे बोट दिखाई क्यों नहीं दे रही है? मगर मैं अपनी बोट को तो चला पा रहा हूं और ये वाला व्यू तो काफी ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि मेरा कैमरा जमीन के ऊपर है लेकिन बोट जमीन के नीचे चल रही है। सही है यार, ये वाला मिथ तो सचमुच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। और ये देखो कितने सारे ज़ॉम्बी मेरे पीछे पड़े। आ जाओ ज़ॉम्बी, अब पकड़ो मेरे को, बेवकूफ कहीं के, मेरे को पिक्चर दिखाएंगे। लेकिन एक सेकंड रुको गाइस, ये देखो कैमरा एंगल चेंज करने पे तो अलग ही व्यू मिल रहा है। लिटरली मैं गाइस, इस वाले मिथ में जो कैमरा व्यू आ रहा है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। ऐसा लग रहा है कोई सिनेमैटिक शॉट चल रहा है किसी पिक्चर का, मानना पड़ेगा व्यू तो काफी तगड़ा है। तो इसी वजह से ये वाला मिथ हो चुका है कन्फर्म। मिथ नंबर 2, अगर हम डॉग पे बैठकर फर्स्ट पर्सन करें तो हमारी स्क्रीन लेफ्ट और राइट नहीं मूव करती है। प्लीज टेक माय मिथ। अच्छा ऐसी बात है, चलो जल्दी से 600 के चीट कोड से अपने डॉगी को स्पॉन करते हैं, जिसका नाम मैंने भोलू रखा था। आप लोगों को मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो ये देखो गाइस, 600 के चीट कोड से अपना भोलू तो आ चुका है, लेकिन मैं ढोलू को नहीं मंगाऊंगा क्योंकि भोलू का ही काम है मेरे को। वैसे ये देखो, अभी तो मैं अपने कैमरे को पूरे 360 डिग्री में घुमा सकता हूं, लेकिन अपन को करना है फर्स्ट पर्सन, फिर देखना है। तो ये मैंने किया कैमरे को फर्स्ट पर्सन में। और वेट गाइज, अपना कैमरा तो सचमुच में स्ट्रेट डायरेक्शन में स्टक हो चुका है और मैं सिर्फ अपने डॉग को सीधा मूव करा सकता हूँ, लेफ्ट और राइट तो मैं देख ही नहीं सकता हूँ। सही है यार, क्योंकि इससे अपना कुत्ता कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, लेकिन मैं तो उसको गलत रास्ते पे ले जा सकता हूँ ना। मजाक कर रहा हूँ। चलो यार, ये वाला मिथ भी काफी अमेजिंग था, तो इसलिए ये वाला मिथ हो चुका है कन्फर्म। मिथ नंबर 3, कुछ बिल्डिंग के ऊपर, जैसे मेगा रैम के ऊपर और कंटेनर वाली बड़ी बिल्डिंग के ऊपर डायनासोर स्पॉन तो होते हैं लेकिन वो चलते नहीं हैं। लेकिन ऐसे कैसे नहीं चलेंगे? गेमर भैया कहेंगे तो वो चलेंगे और साथ में दौड़ेंगे भी, क्योंकि शायद आप लोगों को पता नहीं है कि मैं अब डायनासोरों को कंट्रोल कर सकता हूं, तो वो मेरे हर ऑर्डर को मानेंगे। ऐसे कैसे नहीं चलेंगे, इनकी ऐसी कम तैसी जाता। तो ये देखो गाइस, वेलोसिरैप्टर को तो मैंने स्पॉन कर लिया, लेकिन एक सेकंड रुको, ये वेलोसिरैप्टर तो हवा में है। ओए तू हवा में कैसे खड़ा हो, जल्दी से नीचे उतर। लिटरली मैं यार, ये वेलोसिरैप्टर मेगा रैम के ऊपर हवा में स्पॉन हुआ है। और वेट गाइस, ये वेलोसिरैप्टर चल क्यों नहीं रहा? रुको जल्दी से टीरेक्स को स्पॉन करते हैं। तो ये देखो गाइस, मैंने 51 के चीट कोड से टीरेक्स को स्पॉन कर लिया और ये भी सचमुच में हवा में स्पॉन हुआ है। और मिथ के अकॉर्डिंग ये भी मूव नहीं कर रहा है, एक ही जगह पे खड़ा है बस। चलो जल्दी से सारे डायनासोरों को स्पॉन करते हैं, जितने भी डायनासोर अपने गेम में, सारे डायनासोरों को स्पॉन करते हैं। तो ये देखो गाइस, फाइनली मैंने अपने गेम के जितने भी डायनासोर थे सारे के सारे डायनासोरों को स्पॉन कर लिया, और सारे डायनासोर गाइस मेगा रैम के ऊपर हवा में स्पॉन हुए हैं। लेकिन शॉकिंग बात कुछ और है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो यार, सारे डायनासोर मूव नहीं कर रहे हैं, वो एक ही जगह पे बस खड़े हैं। ना ही वेलोसिरैप्टर मूव कर रहा है, ना ही टीरेक्स मूव कर रहा है, ना ही स्पाइनो, ना ही ब्रैकियोसॉरस, कोई भी मूव नहीं कर रहा है। सबके सब एक लाइन में खड़े और चल भी नहीं रहे, लेकिन इनको तो आज मैं चला के रहूंगा। चलो जल्दी से टारगेट मोड ऑन करते, फिर बताता हूँ इनको। तो ये देखो यार, टारगेट मोड ऑन करने के बाद मैंने एक और स्पाइनो को स्पॉन किया और वो भी मूव नहीं कर रहा है। रुको रुको, अभी बताता हूँ इनको, मेरा ऑर्डर नहीं मानेंगे,
जाएंगे। तो ये मैंने किया टीरेक्स के ऊपर टारगेट लॉक। लेकिन एक सेकंड रुको, ये स्पाइनोसॉरस हमला क्यों नहीं कर रहा है टीरेक्स के ऊपर? अबे ओए पागल, कहीं के जाना उस पे हमला कर, तेरा मालिक तुझे ऑर्डर दे रहा है, जल्दी जा बेवकूफ कहीं के। और ये देखो जैसे ही मैंने स्पाइनोसॉरस के ऊपर टारगेट को लॉक किया, ये खुद ही को मारने लगा और थोड़ी देर में इसने खुद ही सुसाइड कर लिया। जान जाए पर वचन ना जाए। तो ये देखो स्पाइनोसॉरस मर गया लेकिन चला नहीं, तो इसका मतलब है मेगा रैम के ऊपर कोई भी डायनासोर मूव नहीं करता है। तो यानी ये वाला तो चुका है कंफर्म। मिथ नंबर 4, सुपर स्लो मोशन लगाओ फिर किसी भी एनपीसी के ऊपर 2 बार आरपीजी चलाओ, फिर देखना एनपीसी रबड़ की तरह स्ट्रेच हो जाएगा। प्लीज टेक माय मिथ। ओके, तो सुपर स्लो मोशन लगाने से पहले मैं जल्दी से कुछ और एनपीसी को स्पॉन करता हूँ। तो ये मैंने डाला 12345 का चीट कोड जिससे एनपीसी और आ गए, यानी और एनपीसी स्पॉन हो गए। तो चलो जल्दी से अब सुपर स्लो मोशन लगाते हैं जिसका चीट कोड है 1112। लेकिन हमें सुपर स्लो मोशन लगाना है तो इसलिए जल्दी से 3 से 4 बार स्लो मोशन का चीट कोड डालते हैं, फिर हमारा सुपर स्लो मोशन लग जाएगा। तो ये देखो सुपर स्लो मोशन लग चुका है। तो अब जल्दी से किसी भी एनपीसी के ऊपर 2 बार आरपीजी चलाते, तो वो देखो सामने की साइड एक एनपीसी खड़ा, ये चलाई मैंने पहली आरपीजी और कितने धीरे चलती है यार आरपीजी, यार कितना धीरे चलती है। और अपना एनपीसी मर चुका है लेकिन अपन को चलानी है एक और आरपीजी, फिर ये रबड़ की तरह स्ट्रेच होगा, मुझे देखना ही है कैसे स्ट्रेच होता है। और ये देखो जैसे ही मैंने दोबारा आरपीजी चलाई, हमारा एनपीसी सचमुच में रबड़ की तरह खिंच गया था। आप लोगों ने अगर ध्यान से नोटिस किया होगा तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि एनपीसी के हाथ पैर कितने लंबे हो गए थे, लिटरली में ऐसा लग रहा था कि उसे रबड़ की तरह किसी ने खींच दिया है। तो यार ये वाला मैं तो सचमुच में काफी मजेदार था, तो इसलिए ये वाला मैं तो चुका है कंफर्म। मिथ नंबर 5, बोट के अंदर जो स्टेयरिंग व्हील लगा, अगर आप उसे घुमाओगे तो आपकी बोट तो घूमेगी लेकिन आपका टकला ना ही अपना हाथ घुमाएगा ना ही स्टेयरिंग व्हील घूमेगी। अच्छा ऐसी बात है, चलो जल्दी से 3001 का चीट को डाल के बोट को स्पॉन करते, फिर देखते हैं क्या गड़बड़ हो रखी है बोट के अंदर। तो चलो जल्दी से बोट का चीट को डाल के बोट को स्पॉन करते, फिर करते हैं बोट के अंदर एंटर, फिर देखेंगे बोट की जो स्टेयरिंग व्हील है उसमें क्या गड़बड़ है। मुझे तो लगता है ये वाला मिथ बस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हमारी बोट घूमेगी तो साथ में स्टेयरिंग व्हील घूमेगी और स्टेयरिंग व्हील तो हमारे टकले नहीं पकड़ रखा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है उसके हाथ भी घूमेंगे। लेकिन एक सेकंड रुको, ये देखो गाइस हमारी बोट तो घूम रही है मगर ये टकला अपने हाथ क्यों नहीं घुमा रहा है, और हाथ को मारो गोली, ये देखो स्टेयरिंग व्हील भी नहीं घूम रहे हैं। ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ना ही स्टेयरिंग व्हील घूम रही है ना ही टकला हाथ घुमा रहा है फिर भी हमारी बोट घूम रही है। ये कौन सा लॉजिक है यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे लॉजिक है इस गेम में, मगर जो भी हो रहा है वो काफी मजेदार हो रहा है, तो इसलिए वाला मैं तो चुका है कंफर्म। मिथ नंबर 6, एयरपोर्ट पर स्पेस शटल है जाके देखो, लेट्स गो। चलो जल्दी से एयरपोर्ट पर चल के देखते हैं कहां पर स्पेस शटल है। लेकिन एक सेकंड रुको गाइस, ये काउंटडाउन कैसा शुरू हो गया, भैंस की आंख। ये देखो यार हमारे एयरपोर्ट पे तो सचमुच में स्पेस शटल है जो लॉन्च होने वाला है, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो गया, ऐसा लग रहा है कि ये स्पेस शटल कुछ ही देर में लॉन्च हो जाएगा। मगर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, स्पेस शटल है किसका और ये यहां पर कर क्या रहा है। चलो जल्दी से स्पेस शटल के अंदर एंटर करते हैं, फिर देखते हैं कि माजरा क्या है। तो चलो गाइस रेडी हो, क्योंकि कुछ ही देर में अपना स्पेस शटल लॉन्च होने वाला है। लेकिन एक सेकंड रुको, स्पेस शटल के अंदर तो कोई भी नहीं, यहाँ के सारे एस्ट्रोनॉट कहाँ चले गए। अरे नहीं, ये स्पेस शटल लॉन्च हो गया, इसको कंट्रोल कौन करेगा, क्योंकि स्पेस शटल मुझे उड़ाना ही नहीं आता है। भैंस की आंख, ये तो फुल स्पीड में स्पेस की तरफ निकल चुका है, ऐसा लग रहा है ये किसी मिशन पे जा रहा है। लेकिन अब इसे कंट्रोल कौन करेगा, क्योंकि मुझे तो स्पेस शटल को कंट्रोल करना ही नहीं आता है। भैंस की आंख, इसकी स्पीड काफी तेज है, क्योंकि ये कुछ ही देर में अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल के स्पेस में पहुंच जाएगा। चलो जल्दी से चलते, और ये ये मैं कहां पर हूँ, ये चारों तरफ अंधेरा कैसा। और वेट गाइस, वो देखो नीचे की तरफ अपनी अर्थ है, लगता है मैं सचमुच में आउटर स्पेस में आ चुका। और ये देखो हमारा स्पेस शटल भी डैमेज हो चुका है, ये कुछ ही देर में क्रैश हो जाएगा। लेकिन अब मैं इसे इस हालत में अर्थ पर वापस ले जा नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर का फ्यूल भी खत्म हो चुका है और ये डैमेज भी हो चुका है काफी ज्यादा। तो मुझे इसे आसपास ही कहीं पर लैंड करना पड़ेगा, और सबसे पास वो देखो गाइस मून है, तो चलो जल्दी से मून के ऊपर लैंड करते हैं। अरे नहीं, ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, इसके कोई भी बटन काम नहीं कर रहे हैं, ये तो फुल स्पीड में मून के सरफेस से टकराने वाला। अरे यार ये तो क्रैश होने वाला, गया। भाई यार अब मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊंगा, क्योंकि मेरा स्पेस शटल पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है, इसके कोई भी बटन काम नहीं कर रहे। और वो देखो गाइस सामने की तरफ आपको भी अर्थ दिखाई दे रही होगी। तो गाइस आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मून के सरफेस को एक्सप्लोर करेंगे और साथ में एलियन को भी ढूंढेंगे। और हाँ गाइस, नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग कौन से प्लेनेट पे जाएं आप लोग कमेंट करके बताना। अपन लोग मरकरी पे भी जा सकते हैं, वीनस, जुपिटर, किसी भी प्लेनेट पे अपन लोग जा सकते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताना। तो गाइज आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अगर आपको भी अपने गेम में स्पेस शटल चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर दो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि गेमर भी आ चुके हैं।